बदलाव की आवश्यकता है, उसके लिए हमने तय किया है कि मई के अंत तक या जून के पहले सरकार हम लोग अपने संगठन के थोड़ा बहुत काम बचा उसके निर्माण कार्य उस संदर्भ में लगभग पाली, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इन जिलों के दौरे करने के बाद आज मैं उदयपुर आया हूँ और अगले 6 दिन तक लगातार जिला स्तरीय दौरे चले। इन दौरों में हमने पाया है कि राजस्थान में हमारी जो सरकार है बेहतरीन कार्य कर रही है और संगठन भी आने वाले समय में कांग्रेस सरकार की उपलब्धि को लेकर के और तेजी से हर गांव देहात में पहुंचे, सरकार की उपलब्धियों को हर जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करे, ये भी तमाम हमारी जो संस्था पर बैठक कर रहे हैं उनके अंदर चार वर्ष का राहत कैंप बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे राजस्थान पर चल रहे हैं और उदयपुर जिले में भी मुझे अभी बताया गया कि लगभग 6,18,000 रजिस्ट्रेशन लाभार्थियों के कर दिए गए हैं और अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। महंगाई राहत कैंपों में कई कैंपों में मुझे जाने का अवसर मिला और खासतौर पर महिलाओं से जब मैंने इंटरेक्शन किया तो बहुत उत्साहित है सरकार की नीति को लेकर। खासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपये सिलेंडर का जो रेंट किया गया है या फिर 25,00,000 रुपये बीमा योजना के तहत जो महिला कार्य हो रहा है, 100 यूनिट बिजली का जो है 100 यूनिट शहर में और 2,000 यूनिट किसानों को जो बिजली माफ की जो वाली योजना है, इनको लेकर के राजस्थान के लोगों में उत्साह है। और सही बात में ये कहा जा सकता है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का जो कार्य है वो पूरे राजस्थान भर में हमारी सरकार कर रही है। पहली बार ये देखने को मिला है कि हालांकि राजस्थान में ट्रेंड रहा है एक बार बिजली देख रहा हो, मैं ये कह सकता हूँ अपने तजुर्बे से और अपने दौरों के बेसिस पर कि इस बार सरकार की एंटी डिपेंडेंसी हमारी नहीं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार के बेहतरीन कार्य हमारी सरकार कर रही है राजस्थान की जनता पुनः कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दी और पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार हम लोग चला रहे हैं। कोई सवाल हमारे पत्रकार तो संगठन खाली नहीं है, हमारे अध्यक्ष और कार्य कर रहे हैं पर बदलाव प्रस्तावित है। ये ठीक है आपकी बात, बदलाव कई जगह प्रस्तावित है, लगभग 10 से 11 जिलों में हमारे बदलाव प्रस्तावित है परंतु हमारे पुराने अध्यक्ष और काम कर रहे हैं। तो संगठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने कहा जहाँ जहाँ बदलाव होते हैं वहाँ हम जल्दी बदलाव और जहाँ तक जितने की बात है बहुत जगह कमी हो चुकी है और कई जगह मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है किसी ना किसी कारणवश से रह गई उसके ऊपर भी आज मोदीपुर आया तो सारी चर्चा संगठन की सरकार की होगी और जो जो कमी रही हो उसको आने वाले समय में अगर नहीं होगी तो तो आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी कार्य के लिए मैं आ जाए
सारी बातों के ऊपर विराम लगने का कार्य हुआ है। हमारे संगठन के महासचिव वेणुगोपाल जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि दोनों हमारे नेता अनुभवी और ऊर्जावान नेता दोनों हैं और एक साथ जो हमारा मिशन है कांग्रेस की सरकार को पुनर्स्थापित करना, उस मिशन में दोनों लीडर्स जुटकर के काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि यही कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की जनता के मन की बात है और सारी जो अटकलें पिछले दिनों से राजस्थान में चल रही है उसके ऊपर विराम लगने का कार्य। सरकार के इसी कार्यकाल में चार बार इसी तरह की तस्वीरें आ गई है और हर बार बीच में वेणुगोपाल ही खड़े। देखिए, भविष्य के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और मैं समझता हूँ कल जो है, कल की बैठक आदरणीय राहुल जी जो उपस्थित रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनके अध्यक्ष बनने के बाद ही पहली बैठक थी राजस्थान को लेकर और तमाम महत्वपूर्ण लोग चर्चा के अंदर होने चाहिए थे सब उपस्थित थे और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहे मामलों की चर्चा हुई है। दोनों नेता हमारे कलेक्टिव जो है कलेक्टिवली कैसे हमें राजस्थान के अंदर सरकार बनानी फोकस रहेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि अनुभव और ऊर्जा का ये संबंध है निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के अनुरूप सरकार की स्थापना राजस्थान में करने में काम करते हैं। राजीव पाटिल ने कहा है कि वसुंधरा की भ्रष्टाचार की बात है और उन्होंने पूरा अल्टीमेटम भी दिया था इसको अशोक की सरकार भ्रष्टाचार को सारी निकल सारी बातें और एक खुशी का माहौल बना है। तो मैं समझता हूँ कि सबको और राजस्थान की जनता जो है वो यही चाहती है। कांग्रेस क्या सोचती है भ्रष्टाचार को लेकर? बिल्कुल ठीक सोचती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस हमेशा रही है और आने वाले समय में। पिछले